上了哦。वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज शिवरात्रि का दिन है, तो आज शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें। और सुबह का टाइम है, मेरी पूजा चल रही थी और आप लोग तो मंदिर होके आए होंगे, जल चढ़ा के आए होंगे, बट हम लोग तो बाहर अभी जा नहीं सकते ना, तो हमने अपने घर पर ही पूजा पाठ किया है ना। मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर में जाके किया जाए या घर पर किया जाए। तो बस प्रसाद पर मम्मी ने बनाया है हलवा, आलू का हलवा बनाया हमने, ज़्यादा कुछ तो बनाया है ना, तो आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। और फास्ट तो किसी ने रखा नहीं है आज, क्योंकि अभी फास्ट रख नहीं सकते। तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों ब्लॉग शुरू कर दिया है, कनेक्टेड रहना ब्लॉग में। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है फ्राइडे और आज है शिवरात्रि और पूजा पाठ हो गई है, अभी दिया लगा है मंदिर में और बस हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, मम्मी नाश्ता कर रही है, अभी मैंने किया नहीं है नाश्ता, अभी मैं नहा के आई हूँ, तो मैं पूजा पाठ वगैरह कर रही थी उसमें देर लग गई। तो आज मैंने प्रसाद में बस भगवान जी के लिए आलू का हलवा बनाया, तो मैं बनाने जा रही थी, इतना मैंने डस्टिंग किया तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो अभी नाश्ता करना है मेरे को भी, लेकिन अभी मैं थक गई हूँ तो थोड़ी देर बैठ गई हूँ बस। बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट करना है, बच्चों के लिए मैंने थोड़ा ब्रेड पिज्ज़ा बनाने की तैयारी की है और मैंने उसका जो होता है ना थोड़ा सा मलाई के अंदर सब्जियाँ काट के डाल लेते हैं और थोड़ी सूजी डाल लेते हैं, तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो रेसिपी पहले भी शेयर की है, आने वाले ब्लॉग में फिर से शेयर करूंगी आपके साथ में। तो बस वो मैंने प्रिपेयर करके रख दिया, दो बच्चों को सेक के दिखा दिए, तो फिर खुशी ने सेक लिए थे और उसके बाद में बच्चों ने खा लिए थे। तो श्रीजा नहा ली है, खुशी भी नहा के आएगी अभी, और बस श्रीजा अपनी काम कर रही है। तो मॉर्निंग का काम चल रहा है दोस्तों और आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और भूख लग रही थी जोरों की, लेकिन मैंने कहा चलो आप कर लो पहले नाश्ता फिर मेरे लिए बना देना। वैसे मैं कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन अभी पूरे घर की डस्टिंग की तो थक गई थी, तो अभी इतनी एनर्जी नहीं रहती बॉडी में कि ज़्यादा कुछ करूँ। तो हस्बैंड बैठे हुए हैं, हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं और श्रीजा मैडम प्रसाद का हलवा खा रही हैं, तो सबको दे रही है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खुशी मेकिंग ब्रेकफास्ट, तो खुशी बना रही है ब्रेड पिज्ज़ा। ये तो हो गया बेटा, अब निकाल लो अपने लिए, ठीक है? इतना आप खाओगे इतना दूसरा बन जाएगा, एक श्रीजा को दे दो एक आप ले लो। सॉस लेना ना साथ में, अच्छा लगेगा, ठीक है? बस तो हो गया और आज है शिवरात्रि का दिन, तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, भोलेनाथ सब पर कृपा करें। और देखो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं लाइफ में सब कुछ अच्छा करती हूँ, सब कुछ सही करती हूँ, कुछ गलतियाँ भी करती हूँ, और ये वाली जो गलती है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, और ये गलती पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी हुई है दोस्तों। और आज मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि अपने से कोई गलती हो गई तो उसका रिग्रेट करने के लिए दो चार लोगों को बता देना चाहिए, तो उससे ना हमारी गलती का असर कम होता है। अभी गलती पता नहीं यार मेरी है कि कैसे है क्या है। और आज जैसे शिवरात्रि का दिन है, लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो मैं शिवरात्रि पे गई थी अपनी ससुराल रामगढ़, और मेरी सासू माँ ने भी नहीं बताया कि आज शिवरात्रि है, पिछली बार भी वो भूल गई, इस बार भी वो भूल गई, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ पर ये वाली शिवरात्रि नहीं मना जाती। हमारे यहाँ सर्दियों में जो शिवरात्रि होती है ना वो मनाई जाती है, तो उसका मुझे हमेशा याद रहता है। और मुझे लेकिन त्योहारों को मनाने का, पूजा पाठ करने का बहुत शौक है, और आज भी मुझे पता नहीं चला कि शिवरात्रि है, फिर बच्चों के स्कूल से मैसेज आया कि शिवरात्रि की छुट्टी है, तो मेरा ध्यान गया आज शिवरात्रि है। लेकिन हाँ मैंने पूजा पाठ की, जैसे मैं करती थी वैसे किया। देखो मंदिर तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती, अभी हम लोग बाहर कम जा रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह पर तो वैसे भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, दूसरा इतनी देर लाइन लाइन में हम खड़े भी नहीं हो सकते है ना। तो मन होता है श्रद्धा तो मन से होती है ना पूजा पाठ की, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले स्नान करके जल का लोटा ईश्वर पर चढ़ाएं, दिया लगाएं मंदिर में। तो जैसे मॉर्निंग की टी हस्बैंड को मिलती है तो मैंने भी उनके साथ पी ली थी, और लेकिन याद आ गया, मेरे को याद था पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल मैं रामराज गई, रास्ते में फिर हम किसी भैया के साथ गए थे उनकी गाड़ी में, तो जब हम जा रहे थे उन्होंने कहा तो शिवरात्रि, अब मेरा इतना शौक लगा दिमाग पे यार मैं अपने घर से आ रही हूँ और मैं पूजा भी नहीं करके आई, आज शिवरात्रि का दिन है। और ये इसी त्यौहार पे मेरे से ये मिस्टेक होती है हमेशा, क्योंकि ये मेरे मम्मी के यहाँ तो मनाया नहीं जाता था, मुझे पता ही नहीं था, ससुराल में मैंने एक बार मनाया और सासू माँ भूल जाती हैं हर बार, मम्मी को कहती थी मम्मी आप ही याद रख लिया करो, चलो मुझे तो इसलिए नहीं पता चलता, और इस बार बाहर से कॉन्टेक्ट ख़त्म था, तो लेकिन बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है यार।
बस क्या करूँ, मैं इसमें ये भी नहीं कहूँगी मेरी गलती नहीं है, गलती है, बहुत बड़ी गलती है मेरे लिए तो, ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मैं काफ़ी करती रहती हूँ इन चीज़ों को और फिर मैं भूल जाऊँ तो मुझे पता मन मेरा दुखता है, बहुत दुखता है। मैंने मंदिर में जब पूजा की, दिया लगाया, मैंने भगवान से बार बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भगवान प्रभु भोले बाबा क्षमा कर दो, लेकिन जो गलती है वो तो गलती है ना। हम लोग अपना बर्थडे भूल जाते हैं, कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं, कि बच्चों का बर्थडे भूल जाते हैं, कि नहीं भूलते ना तो शिवरात्रि कैसे भूल जाते हैं हर बार। सक्षम आ गया क्या यार, कैसे गलती की ना मैंने, आप लोग बताना कमेंट करके। बाय मिस्टेक की लेकिन की, फिर बाद में अपने प्रसाद बनाया भगवान जी के लिए, भोग लगाया। पिछली बार मैंने ही गलती की थी, फिर मैंने क्षमा मांगी थी भोले बाबा से और नौ सखी और क्षमा मांगी थी, आने के बाद वहाँ से प्रसाद तैयार किया था और मैंने भगवान जी को भोग लगाया था। लेकिन एक तो पता है, आप बचपन से जिस मोह में बड़े बड़े होते हो ना, या जिन चीज़ों को आप करते हो, त्योहारों को करते हो, उन चीज़ों का आपको पता होता है। और लड़कियों का ये होता है ससुराल में आने के बाद कुछ चीज़ें जो ससुराल की होती है ना वो उनको अपना लेती है ना, और कुछ तो हमारे त्यौहार। हाँ बेटा, और मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का। तो मैं वो कह रही थी कि लड़कियाँ ना ससुराल में आके कुछ नई चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं, मायके की छोड़ देती हैं, लेकिन ये मेरी शिवरात्रि वाली, लेकिन होती तो है ही, देखो मायके में तो होती नहीं थी, वहाँ पे तो हमारे यहाँ इधर सावन की शिवरात्रि का कुछ था ही नहीं। ससुराल में जब आए तब पता चला अभी शिवरात्रि होती है, और अब वो एक बार मैंने की और उसके बाद हर बार ऐसे हो जाता है, मतलब छूटती तो नहीं है, करती तो हूँ, चाहे वो इवनिंग में करती हूँ, लेकिन शिव जी को जल चढ़ा के शुरुआत होती है दिन की। गलती तो गलती होती है यार, छोटी हो या बड़ी हो, और ये बड़ी गलती है मेरे लिए, तो हमेशा आगे से ध्यान रखूँगी, आगे कभी गलती नहीं करूँगी ऐसी। और अभी बस बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, रूम में बैठे हैं, मैं सोची थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाती हूँ अब, और अभी आज बर्तन वाली तो बर्तन क्लीन करके चली गई, बट मेड जो पोछे वाली है वो अभी तक आई नहीं थी। आ गई जैसी, जो पता नहीं इतनी लेट क्यों आई है, मुझे लगता है वो भी जल चढ़ाने गई होगी। चलो कोई नहीं, मंदिर जान तो अच्छी बात है, पूजा करने का दिन है ना आज। आ गई, इतनी लेट क्यों आई हो ना, आज मंदिर गई थी, मैं सोचा मंदिर के चक्कर में लेट हो गया, मैंने फोन किया था तुम्हारी बुढ़िया ने कहा आओगी तो। ये इनके यहाँ कराई क्या, इनके यहाँ कराई, इनको पता नहीं, पूछ रही थी मैंने कहा अभी तो आई नहीं ज्यादा, फोन किया मैंने आपके यहाँ ना, चलो कर लो कोई, मैं सोचे मंदिर के चक्कर में लेट हुआ है। मम्मी लेट रही है इधर और मम्मा बस हाउस क्लीनिंग करने वाली आ गई है हेल्पर, और बर्तन क्लीन हो चुके हैं। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, इसकी रेसिपी पहले से भी शेयर की थी मैंने आप लोगों से, और मैंने बच्चों के लिए प्रिपेयर कर दिया था उसका बैटर वैटर जो भी होता है। खुशी ने बनाया, मुझे कैसा लगा था ब्रेड पिज़्ज़ा, अच्छा सही लगा था, तो दो चार स्लाइसेस बच्चों की बना के एक्स्ट्रा मिल गया, बीच में भूख लगती है तो बच्चे ना क्या है, अब बच्चों को हमेशा हम सब्जी दाल खिलाते रहे, नहीं खाते कुछ अलग सी चीज़ें हो तो अच्छे से खा लेते हैं। और अब मैं सक्षम श्रीजा को कोशिश करूँगी थोड़ा सा पढ़ाने की, देखती हूँ पढ़ते हैं क्या, क्या कर रहे हो, ले रही हूं। ऐसे एसी हमारा ऊपर लगा हुआ है ना, कूलिंग जब करता है ना तो नीचे कूलिंग आने में टाइम लगता है, और गर्मी बहुत चिपचिप वाली हो रही है, बहुत बुरा सा मौसम है। पंखा बंद करना पड़ता है, पंखा तो बच्चे वैसे ही बंद करना पड़ता है, तुम्हें याद नहीं पिछले साल मैं यहाँ के बदले वहाँ जाके शूट करती थी, या फिर तुम बाहर सोते थे तो मैं अंदर फैन बंद करके पसीने में लथपथ हो जाती, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। आपके एयरपोर्ट में तो पसीने का लगता कि दांत में बहुत दर्द हो रहा है, हम कभी टैबलेट देके आई हूँ, वो आराम कर रही है, दांत का दर्द बहुत परेशान कर देता है। हाँ क्या करना है, तुम तो दिख रहा है शीशा है ना, तो दांत का दर्द बड़ा तेज़ होता है, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे भी नहीं है कि दांत, पता है वो कभी हो जाता है कभी रुक जाता है, कभी कभी राइस या मीठी चीज़ खाने से भी हो जाता है। मम्मी को मीठा खाने का बहुत शौक है, तो हमने देखा मीठी पूड़ियाँ वूड़ियाँ, हो सकता है वो लोग वो चीज़ें नुकसान दे गई, मम्मी से गई थी मम्मी अभी मीठी चीज़ मत खाना उससे दर्द होता है, क्योंकि मेरे भी एक बार एक दांत में प्रॉब्लम हो गई थी, मीठी चीज़ अगर मैं खा लेती थी ना बहुत दर्द होता था उसमें, तो भी उनको टैबलेट दे के आई हूँ, रेस्ट कर रही हैं, और आज देखो लंच में फिर हम कुछ लाइट सा ही बनाएंगे, कुछ गुलाब गुलाब बना लेंगे। हाँ लेकिन अभी मैं भी इतना खड़ा होकर काम नहीं कर सकती, क्या करें,
लेकिन फिर भी मैं काफ़ी कर लेती हूँ यार इतना। अभी देखो कितना टाइम हुआ है मेरे को, अभी 2 मंथ की कंप्लीट नहीं हुई है। घर की पूरी डस्टिंग की मैंने, बच्चों की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन पूरी की, तो लेकिन इतना नहीं कर पाती अभी। अब फिर किसी मेड को अगर खाना बनाने के लिए भी लगा लूँ तो थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो ना कि मतलब जो खाना बनाने का है ना, परहेज का खाना या फिर जो पेशेंट्स का खाना है वो अपने हाथ से बनाओ ठीक रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे यार काम शुरू करना, आप लोग कहते हो ना काम मत करो काम मत करो, तो कैसे कर ले कोई औरत आराम? कोई नहीं कर सकता, करना पड़ता है यार जब आप फैमिली में बिजी हो जाते हो। तो धीरे धीरे यही किया करूँगी, थोड़ा सा बैठ गई थोड़ा कुछ कर लिया। हाँ मैं काफ़ी हद तक फिर भी कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं करती कि मुझे सही नहीं लगता, कोई ये सोचेगा कि अपने कामों को दिखाती है, लेकिन करती रहती हूँ काफ़ी हद तक। कभी कभी सब्जियाँ फ्राई कर देती हूँ, कभी झाड़ू वगैरह भी निकाल लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाती हूँ, थोड़ा कर लेती हूँ, फिर थक जाती हूँ, वीकनेस हो गई है काफ़ी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यही था मेरा, जो गलतियाँ की वो शेयर की आपके साथ में, और आप बताना क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे को ना बस ये होता है कि मैं मम्मी, देखो मेरी मम्मी ना जो उनके यहाँ फेस्टिवल होते हैं वो मुझे फ़ोन करके बता देती हैं, लेकिन इसका उनको भी पता नहीं होता है। पिछली बार भी मम्मी से कहती कि बेटे, वो मुझसे कहती बेटे ऐसे कैसे छूट जाता है, अपनी मम्मी से बोला करो वो बताया करेंगे, लेकिन मम्मी खुद ही भूल जाती हैं, फिर क्या करूँ, ये गड़बड़ हो जाती है। चलिए बोले बाबा से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि क्षमा करें मेरे परिवार को। फिर उसके बाद भी देखो मैं तो सच्ची श्रद्धा से जो कर सकती हूँ वो करती हूँ हर बार, लेकिन दो बार से मिस्टेक हो गई है, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखूँगी ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सबको बहुत सारा प्यार, और आज मेरा मन इसलिए उदास भी है थोड़ा सा। बाय बाय दोस्तों।